हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2024 और ये इसका पार्ट थर्ड रहेगा बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो मार्च 27 ये होता है वर्ल्ड थिएटर डे और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस तो आपको याद यही रखना है कि मार्च 27 इट इज़ वर्ल्ड थिएटर डे और जो थीम थी इट वॉज़ थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस अब हम देखेंगे कुछ पर्सनज़ इन न्यूज़ शरद कमाल जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं टू बी इंडियाज़ फ्लैग बेरियर एट पेरिस ओलम्पिक्स 2024 तो ये फ्लैग बेरियर रहेगा इंडिया का इन द पेरिस ओलंपिक्स टू और स yes, बैंक ने पार्टनरशिप किया है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि शरद कमाल ही विल बी द फ्लेग बेरियर एट पेरिस ओलंपिक 2024 और येस yes, बैंक ने पार्टनर किया है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर दिस ओलंपिक टू रतन टाटा इसको नवाज़ा गया है विद द पी वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिल एंथ्रॉपिक वर्क तो रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है दैट इज़ पी वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इसको दिया गया ऐसे ही हंसा मिश्रा इसको अपॉइंट किया गया एज़ डायरेक्टर इन द यू पी एस सी सो so, यू पी एस सी के नए डायरेक्टर बने हैं दैट इज़ हन्शा मिश्रा मिश्रा और रिसेंटली आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग दैट्स कॉल्ड सूरत डायमंड बोरस जो कि गुजरात में पड़ता है इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए और उसका नाम है गोविंद दोलाकिया सो so, गोविंद दोलाकिया इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोरस ये पॉइंट आपको याद रखना है ऐसे ही नवीन जिंदल

इसको दो एडिशनल चार्जेस दिए गए दैट इज़ तेलंगाना गवर्नर एंड एल जी ऑफ पुडुचेरी टिल फर्दर आर्डर्स। अमिताभ घोष इसको नवाजा गया है विद प्रस्टिजियस एरसमस प्राइज़ टू जीरो टू फोर सो so, अमिताभ घोष जो कि एक राइटर हैं इसको ये अवार्ड दिया गया है दैट इज एरसमस प्राइज़ टू ज़ीरो टू फोर ऐसे ही यन भास्कर डगल ही विन इज़ द फर्स्ट प्राइज़ इन द नेशनल यूथ पार्लिमेंट फेस्टिवल टू जीरो टू फोर तो फर्स्ट प्राइज इसको मिला है दैट इज़ यतिन भास्कर ढगल इसने जीता है फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल टू जीरो टू फोर में नवनीत सहगाल इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बोर्ड सो so, प्रसार भारती बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं दैट इज नवनीत सहगाल ऐसे ही यहाँ पर दो प्लेयर्स न्यूज़ में हैं दैट इज़ श्रीजा अकूला श्रीजा अकोला वन द वमेनज़ सिंगल टाइटल एट डब्ल्यू टी टी फेडर बैरुट लेबनान आपको पता होगा व, व, वर्ल्ड टेबल टेनिस जो कि बैरट लेबनान में हो रहा था वहाँ पे श्रीजा ने जीता है वुमेनज़ सिंगल टाइटल और ऐसे ही यहाँ पे एक पर्सन भी है दैट इज जी साथियान जी साथियान इसने ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेनज़ सिंगल ट्रॉफी एट वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर सीरीज़ इवेंट एट बैरुट लेबनान तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं दीज आर बैडमिंटन प्लेयर्स श्रीजा एंड जी साथियान और जी साथियान पहले इंडियन बने जिसने मेनज़ सिंगल में ट्रॉफी जीती है एट डब्ल्यू टी टी फेडर सीरीज़ जो कि हो गया एट बैरुट लेबनान में आई टी यू दैट इज़ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने इलेक्ट किया इंडियाज़ टेलीकॉम सेक्रेटरी जिसका नाम है नीरज मित्तल सो so, नीरज मित्तल को सिलेक्ट किया गया एज़ को चेयर ऑफ़ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड तो ये पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है नीरज मित्तल इसको चुना गया एज़ को चेयर ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड बाई आई टी यू अब आपने सुना होगा सी CAA वॉज इन न्यूज़ पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा अबाउट सी एट इज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टू ज़ीरो वन नाइन सी ए टू जीरो वन नाइन जो इसका मेन मकसद था दैट वॉज टू ग्रांट इंडियन नेशनलिटी टू नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स तो ये इंडियन नेशनलिटी national, देता है नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्राम पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान जो कि इंडिया में आए हैं टिल दिसंबर टू जीरो टू फोर तो पहले आपको याद यही रखना है कि जो सी ए है इट इज़ टू ग्रांट इंडियन नेशनलिटी टू तो नॉन मुस्लिम के लिए ये एप्लीकेबल हैं जो कि आए हैं फ्राम पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो तीन कंट्रीज़ के लिए ये एप्लीकेबल हैं दैट इज़ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान और इसमें आपको याद रखना है दीज नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इंक्लूड हिंदूज़ सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन इसमें कवर होते हैं और सी ए इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम ये पॉइंट आपको याद रखना है अब मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट बताता हूँ दैट इज़ सी एट वॉज पासड इन लोकसभा ऑन टेंथ दिसंबर टू ज़ीरो वन नाइन सो टेंथ दिसंबर टू ज़ीरो वन नाइन में इसको पास पास किया गया था इन द लोकसभा और फिर राज्यसभा में इसको पास किया गया था ऑन अलेवेंथ दिसंबर टू जीरो वन नाइन और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे दैट वाज रामनाथ कोविंद फिर इसने इसको साइन किया ऑन ट्वेल्थ दिसंबर टू ज़ीरो वन नाइन और इस सी ए टू जीरो वन नाइन ने क्या किया था इसने एमेंड किया था सिटीज़नशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव ये आपको याद रखना है कि सी ए टू ज़ीरो वन नाइन जो था इसने एमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट वन नाइन फाइव फाइव तो इसमें क्या होता था कि उस पर्सन को दी जाती थी इंडियन सिटीज़नशिप जो कि एट लीस्ट अलेवन ईयर्स इंडिया में रहा होता था तो अलेवन ईयर्स दैट वॉज अ एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन सिटीजनशिप लेकिन फिर इसको रिड्यूस किया गया था टू सिक्स ईयर्स लेकिन अब जो ये एप्लीकेबल होगा दैट विल बी ओनली फॉर फाइव ईयर्स तो अगर किसी को इंडियन सिटीज़नशिप चाहिए फ्राम दीज नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स तो उनको यहाँ पर रहना पड़ेगा फ़ाइव ईयर्स के लिए अब हम देखेंगे जो सी ए इट कैम इनटू फोर्स ऑन अलेवन मार्च टू जीरो टू फोर सो अलेवन मार्च टू जीरो टू फोर में इसको अब फोर्स में लाया गया इसके रूल्स को एम एंड इसको किया गया था टू ज़ीरो वन नाइन में लेकिन अब जो इसके रूल्स इंप्लीमेंट हो गए वो हो गए ऑन अलेवन मार्च टू ज़ीरो टू फोर ये पॉइंट आपको याद रखना है इसीलिए CAA सी एट वॉज इन न्यूज़ तो इसमें आपको याद यही रखना है कि इट गिवज़ इंडियन नेशनलिटी टू नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो कि आए हैं फ्राम पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान और इसको एमेंड किया गया था टू ज़ीरो वन नाइन एक्चुअली इट वॉज द एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव लेकिन फिर टू ज़ीरो वन नाइन में इसको एमेंड किया एमेंड किया गया था पहले अलेवन ईयर्स के लिए किसी को रहना पड़ता था फॉर गेटिंग इंडियन नेशनलिटी लेकिन अब रिसेंट लॉ के मुताबिक फाइव ईयर्स नॉन मुस्लिम्स जो कि माइग्रेंट होंगे उनको फाइव ईयर्स इंडिया में रहना पड़ेगा ताकि उनको फिर इंडियन नेशनलिटी मिलेगी तो इसमें आपको यही याद रखना है और ये जो सी ए है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम क्योंकि दे फॉल अंडर शेड्यूल सेकिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें आपको ये पॉइंट भी याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको जो याद रखना है इट केम इंट फोर्स ऑन अलेवन मार्च टू जीरो टू फोर जो कि अमित शाह ने फिर ट्वीट किया था ये भी आप याद रखना कि अमित शाह ने इसको फिर ट्वीट किया था अब हम देखेंगे पी एम सूरज पोर्टल क्योंकि ये भी न्यूज़ में था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है पीएम सूरज पोर्टल अब इसका जो मेन मकसद है दैट इज़ टू एमपावर टू एमपावर वन लैख एंटरप्रेनोरस फ्राम डिसएडवेंटेज कम्युनिटीज़ तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पी सूरज का मेन पोर्टल जो इसका मेन मकसद है दैट इज़ टू एमपावर वन लेख एंटरप्रेनोरस फ्राम डिसएडवेंटेज डिसएडवेंटेज कम्युनिटीज़ और जो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज़ प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण तो ये आपको याद रखना है पीएम सूरज पोर्टल की फुल फॉर्म और इसका मेन मकसद क्या था टू एम्पावर वन लैक फ्रॉम फ्राम डिसएडवेंटेज कम्यूनिटीज़ ही नमस्ते सिकीम ये भी लॉन्च किया गया था टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स सीवर वर्कर्स और सेप्टिक सेप्टिक क्लीन ऑपरेशन जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनके सेफ्टी के लिए नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस नमस्ते की फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकनइजड सैनिटेशन इको और ये स्कीम क्या है दैट इज नो सैनिटेशन वर्कर हैव टू वर्क मैनवली इन द दजडियस टास्क ऑफ सीवर एंड सेप्टिक क्लिनिंग ऑपरेशनज़ तो इसमें आपको याद यही रखना है कि दैट इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ सेप्टिक वर्कर्स जो कि सेप्टिक टैंक क्लिनिंग ऑपरेशन में काम करते हैं उनके सेफ्टी के लिए नमस्ते सिक्किम लॉन्च की गई ऐसे ही यहाँ पे खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं कीर्ति सिक्कीम सो so, कीर्ति की फुल फॉर्म पहले आपको याद रखनी है कि इट इज़ खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिकीम और ये सिक्किम लॉन्च की गई बाय यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स मिनिस्टर दैट इज़ अनुराग ठाकुर ने इस सिक्किम को लॉन्च किया गया था इन चंडीगढ़ अब इसमें क्या होगा जो नाइनटीन टू एटीन ईयर्स होंगे इनका इस स्कीम का मेन एम इन्हीं पे रहेगा और इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज़ टू हंट टैलेंट फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री पहले ये टैलेंट ढूंढेगा लेकिन मेन मकसद इसका यही है कि टू यूज़ स्पोर्ट्स एज अ टूल टू कब एडिक्शन टवर्ड्स ड्रग्स सो ड्रग एडिक्शन रोकने के लिए इस सिकीम को लॉन्च किया गया है एंड अदर गेजटरी डिस्ट्रेक्शनज क्योंकि आज कल बच्चे मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो उनको गेम्स से बचाने के लिए ड्रग्स से बचाने के लिए वाई हैव टू यूज़ स्पोर्ट्स एज़ अ टूल इसीलिए इस सिकीम दैट इज़ कीर्थी सिकीम को लॉन्च किया गया बाई यूनियन मिनिस्टर दैट इज़ अनुराग ठाकुर अब शेरनी पोर्टल इसमें आपको याद यही रखना है कि शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इसको लॉन्च किया है बाय यूजीसी ने सो so, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इस शेरनी पोर्टल को लॉन्च किया है टू तो एंश्योर वुमेन सेंटेस्टर रिप्रेजेंटेशन तो इस पोर्टल का नाम भी आपको याद रखना है ऐसे ही ई किसान उपज निधि योजना ये है क्या ई e किसान उपज निधि यो, निधि योजना इसके अंदर जो फार्मर्स होंगे वो स्टोर करेंगे अपने जो उनका प्रोड्यूस होगा एट द एथोराइज वेयर हाउस तो इसमें आपको याद यही रखना है कि दैट इज ई उपज निधि इट इज़ अट इज़ अ प्रोसेस दैट सिंप्लीफाइज द डिजिटल प्रोसेस अलाउवंग फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोड्यूस एट एनी रजिस्टर्ड डब्ल्यू डी आर डी डब्ल्यू डी आर ए वेयर हाउस फ़ार अप टू सिक्स मंथ्स एट सेवन परसेंट इंटरेस्ट पर एनम जो फार्मर्स होंगे वो अपने स्टोर को सेव कर सकते हैं ऐट द वेयर हाउसेज में फ़ॉर आप टू सिक्स मंथस और उनको वहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा सेवन परसेंट पर एन एम अब हम देखेंगे जनरल करंट अफेयर्स तो जनरल करंट अफेयर्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं दैट इज फर्स्ट एवर एन न्यूक्लियर एनर्जी समिट इट इट वाज हेल्ड एट बेल्जियम सो बेल्जियम में हो गई फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट नेक्स्ट पॉइंट सईद सौ जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है इट वॉज हेल्ड एट डेली तो इस फेस्टिवल का नाम आपको याद रखने दैट इज सईद सौ ऐसे ही इंडिया बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर ग्लोबली सो इंडिया सेकेंड लार्जस्ट प्रोड्यूसर बना ऑफ द मोबाइल प्रोड्यूसर ग्लोबली वर्ल्ड फर्स्ट एवर ओम शेपड टेम्पल इसको इनाग्रेट किया गया था इन दाजस्थान राजस्थान पली डिस्ट्रिक्ट सो राजस्थान में वर्ल्डस फर्स्ट एवर ओम शेपड टेम्पल को इनाग्रेट किया गया था तो ये पॉइंट आपको याद रखें दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आई सी विजल ऐप इट वॉज लॉन्चड बाई एलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस ऐप को लॉन्च किया है दैट इज़ सी विजल ऐप और जो इसका मेन मकसद है इट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सिटीजनज़ टू रिपोर्ट सिटीजन इससे रिपोर्ट करते हैं ऑन वायोलेशन ऑफ द एलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट डूरिंग द एलेक्शनज तो इसका मकसद यही है दैट इज़ uh, यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो अबाउट द वोलेशन ऑफ द एलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ऑन दिस ऐप दैट कॉल्ड सी विजल ऐप इंडिया एंड ब्राज़ील हेल्ड देयर इनागरल टू प्लस टू डिफेंस एंड फॉरन मिनिस्टर डायलॉग सो इंडिया और ब्राज़ील में ये इनाग्रेट की गई दैट इज टू प्लस टू डिफेंस एंड फॉरन मिनिस्टर डायलॉग तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ऐसे ही यहाँ पे प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट आई आई टी बम्बई सो आई आई टी बम्बई में इनाग्रेट किया गया था लॉन्च किया गया था इंडियाज फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर तो ये इस आईआईटी का नाम आपको याद रखना है ऐसे ही भारत बायोटेक ने स्टार्ट किया है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ टीबी वैक्सीन जिसका नाम है एम टी वैक सो एम टी वैक जो कि एक टीबी वैक्सीन है इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स भारत बायोटेक ने स्टार्ट किए काथिया वीट काथिया गेहू गॉट जी टैग फ्राम यूपी दिस इज इंपॉर्टेंट कि यूपी का है इसको मिला है जी आई टैग ऐसे यहां पे कच्थावा आइलैंड कच्थाव आइलैंड जो कि पड़ता है इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका तो पेपर में आपको ही आएगा कि ये कच्थाव आइलैंड ये कहां पड़ता है इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका संतोष ट्रॉफी जो कि जीता है बाय सर्विसेज ने जीता है इस ट्रॉफी को ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है और सर्विसेज ने हारा है गोवा को अब ऐसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल बिग केट एलंस इट वाज लॉन्चड बाय इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सेवन बिग केटस सो इंटरनेशनल बिग केट एलेंस इसको लॉन्च किया गया इन इंडिया ये पॉइंट आपको याद रखना है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सेवन बिग केटस जिसमें आता है टाइगर लाइन लियोपर्ड ई टी सी रिसेंटली रिपोर्ट आया था अबाउट दीज स्टेट स्टेट ऑफ लियोपर्ड्स तो इसमें क्या है कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो लियोपर्ड की पॉपुलेशन है इट इट इंक्रीज बाय एट परसेंट टू जीरो टू टू रिपोर्ट पहले ये आया था टू जीरो वन में लेकिन अब ये रिसेंटली ये रिपोर्ट आया है फॉर टू जीरो टू टू और एज पर दिस रिपोर्ट जो लियोपर्ड पॉपुलेशन है इट इंक्रीज बाई एट परसेंट अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दैट इज

तो इस ओशन ग्रेस का नाम आपको याद रखना है और इस एशन इस ओशन ग्रेस को बनाया है बाई कोचिन शिप लिमिटेड ने इस ओशन ग्रेस को बनाया है एंड जो ये ओशन ग्रेस है इट इज़ इज़ द फर्स्ट मेक इन इंडिया ए एस टी डी एस टग ये आपको याद रखना है और टग क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ाया दीज आर स्पेशल बोट्स जो कि असिस्ट करते हैं अदर वेसल्स इन टू एंड आउट ऑफ पोर्ट तो इस ओशन ग्रेस का नाम आपको याद रखना है और इसको इनाग्रेट किया है बाई सर्वानंदा सोनोवाल ने इसको इनाग्रेट किया है सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग